बढ़ते यूपी से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई है। बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 जनवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत ने दी है। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर, तो ये बड़ी राहत कुलदीप सिंह सेंगर को मिली है। और अविनाश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अविनाश, और क्या जानकारी इस पर? देखिए, अगर बात करें तो कुलदीप सिंह सेंगर ने हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत को लेकर की याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनकी बेटी की जो शादी है वो 8 फरवरी 2023 को होनी है, लिहाजा उनको 18 जनवरी से अग्रिम जमानत दी जाए जिससे कि वो अपनी बेटी की शादी के समारोह में शामिल हो सके। दिल्ली हाईकोर्ट में लंबी तकरीर चली, सीबीआई की तरफ से भी आपत्ति लगाया गया था, लेकिन उसके बाद उनके वकील ने जिस तरीके से कहा कि बेटी का कार्यक्रम है, बेटी की शादी का, और पिता को कई सारे रस्में वहां पर निभानी होती है, लिहाजा उनको जमानत दी जाए। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। 27 जनवरी को वो जेल से रिलीज होंगे, तिहाड़ जेल में इसको फिलहाल में वो बंद है, तिहाड़ जेल से वो रिलीज होंगे और फिर उनको दोबारा 10 फरवरी को दोबारा से उनको तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। ये पूरी जमानत की जो प्रक्रिया है हाईकोर्ट ने अपनी ओर से तय कर दी है, और अब कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अग्रिम जमानत मिल गई है। अविनाश, क्या जानकारी, कब जेल से बाहर आएंगे कुलदीप सिंह सेंगर? देखिए, 27 जनवरी को वो जेल से बाहर आएंगे, जिसके बाद अगर बात किया तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, यहाँ से वो सीधे उन्नाव जाएंगे जहाँ पे वो परिवार के साथ शामिल होंगे, परिवार के साथ वक्त बिताएंगे और 10 फरवरी तक वो जेल से बाहर रहेंगे, जिसके बाद 10 फरवरी के बाद उनको तिहाड़ जेल में एक बार फिर से सरेंडर करना होगा, तिहाड़ जेल में जाकर के सरेंडर करके फिर से एक बार जेल में जाना होगा। तो ये हाईकोर्ट की ओर से शर्तें हैं जिसको उनको पालन करना होगा। उनकी बेटी की शादी 8 फरवरी 2023 को है, 9 फरवरी को उनकी बेटी की विदाई है, तो लिहाजा हाईकोर्ट ने ऐसे में उनको एक दिन ज्यादा का वक्त दिया है, यानी कि 9 फरवरी को अपनी बेटी की विदाई करके वो 10 फरवरी को अपने आप को दिल्ली के तिहाड़ जेल में सरेंडर करे। तो ये तमाम सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो उनको अब करनी होगी। तो जो एक वो मांग कर रहे थे दिल्ली हाईकोर्ट से कि उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अग्रिम जमानत दी जाए, वो दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। ठीक है अविनाश, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे थे, उन्नाव रेप केस से जुड़ी हुई, कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई है। और चलिए अब उत्तराखंड की खबरों की तरफ रुख करेंगे। सबसे पहले बात जोशीमठ की, तो जोशीमठ मामले में कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होनी है। जोशीमठ में राष्ट्रीय आपदा है या नहीं, आज ये तय होगा। और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में मामले की सुनवाई होगी, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पादरीवाला भी शामिल है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में ये मांग की गई है कि कोर्ट केंद्र और एनडीएमए को निर्देश दे कि वो जान माल संकट का सामना कर रहे स्थानीय लोगों की मदद के लिए राहत कार्यों में राज्य सरकार को सहयोग करे, और इसी के साथ लैंडस्लाइड के चलते अपना घर खोने वाले लोगों को राज्य सरकार तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए, स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर विस्थापित करे, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के तहत चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाए। और अविनाश लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ मामले को लेकर सुनवाई होनी है, क्या लगता है स्थिति को देखकर किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या ये माना जाए कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा सकता है जोशीमठ आपदा को? देखिए, अगर बात करें तो जोशीमठ आपदा राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाएगा कि ये नहीं किया जाएगा, ये तमाम तरह की तकरीरें होगी, दलीलें रखी जाएगी, उसके बाद क्या होगा। लेकिन उत्तराखंड सरकार को अपनी ओर से पूरी तरीके से जवाब देना होगा कि वो अब तक क्या कर रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है और कैसे उत्तराखंड सरकार ने वहां पे तमाम तरह राहत और बचाव के कार्य किए हैं। ये जानकारी उत्तराखंड सरकार को अपनी ओर से देनी होगी, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार के जवाबों से ही सुप्रीम कोर्ट आगे की जो आदेश है उसको दिशा निर्देश तय करेगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार का जवाब काफी महत्वपूर्ण होगा और पूरी चीजें विस्तृत में बतानी होगी कि कितने परिवार प्रभावित हुए हैं, कितने घर प्रभावित हुए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के जब जानकारी अपनी ओर से देगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से कुछ दिशा निर्देश देगा। जी चलिए अविनाश, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होनी है जोशीमठ को लेकर। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दे, दिल्ली दौरे पर आज रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, और दिल्ली में हाईकमान को जोशीमठ आपदा की जानकारी देंगे, जोशीमठ की स्थिति और राहत कार्य पर हाईकमान को जानकारी देंगे। जोशीमठ में अभी हालात सामान्य नहीं है, सरकार नजर बनाए रखे हुए है, और इस बीच सीएम धामी दिल्ली में मौजूद है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है सीएम के दौरे को लेकर। अविनाश फिलहाल इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, सीएम दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं, किन किन से मुलाकात करेंगे, क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए अगर बात किया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पे इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज शाम 4 बजे से शुरू हो रही है, लिहाजा बीजेपी शासित जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सभी लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में मौजूद है, वो NDMC कन्वेंशन सेंटर में 4 बजे से होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। यहाँ पे पूरे देश भर के बीजेपी के बड़े नेता रहेंगे। तो वहां पे अगर बात की जिस तरीके से जोशीमठ आपदा को लेकर PMO संजीदा रहा है, गृह मंत्रालय संजीदा रहा है और केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं वो लगातार संजीदा रहे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी ओर से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ब्रीफ कर सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ के अभी हालात है। लेकिन वो फिलहाल इस बैठक के लिए दिल्ली नहीं आए हुए, दिल्ली वो इसलिए आए हुए हैं तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और उसमें सभी जो बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं उनको शामिल होना है। उसी बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आए हुए हैं। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। जोशीमठ से ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें तो होटल मलारी इन और माउंट व्यू को तोड़ने का काम जारी है। दोनों होटल को तोड़ने में अभी वक्त लगेगा, होटल को गिराने में 10 से 15 दिन लगेंगे। जोशीमठ के घरों में दरार पड़ने का सिलसिला अभी थमा नहीं है और अलग अलग टीम जोशीमठ के घरों की जांच कर रही है। लेकिन बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि जो दोनों होटल है माउंट व्यू और मलारी इन, उन्हें दोनों को तोड़ने का काम अभी लगातार जारी है और जैसे की जानकारी मिल रही है 10 से 15 दिन का समय और लगेगा इन होटलों को तोड़ने में और जोशीमठ के घरों में जो दरार है वो सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। जोशीमठ के मलारी इन और माउंट वीव होटल को तोड़ने का आज 5वां दिन है और आज 5वें दिन भी लगातार जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो जारी है। मैं इस वक्त ये तमाम जो दोनों होटल हैं माउंट वीव और मलारी इन, इनके पीछे मौजूद हूँ। ये डेंजर जोन है जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़ी दरार है, यानी आप ये जो घर देख रहे हैं बिल्कुल इस होटल के पीछे है, यानी माउंट वीव होटल के पीछे है और आप ये दरार देख पा रहे हैं कि कभी भी ये घर अपने आप ही ढह सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक विरोध प्रदर्शन भी यहाँ लोगों को देखने को मिल रहा है और सबसे पहले इस घर की छत हम दिखाते हैं। इस घर पर पूरी रात लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और मांग केवल यही थी कि जो होटल के जो स्वामी हैं उनसे सरकार की बातचीत हुई है, उनसे समझौता हुआ है, लेकिन हमारे बारे में सरकार कोई सुध लेने की सोच नहीं रही है। दूसरी ओर देखिए, ये तमाम महिलाएँ हैं जिन्होंने यहाँ पर पूरी रात इस घर पर बिताई है। डेंजर जोन है और बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर पूरी रात इस घर पर बिताई है और अभी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो जारी है। लेकिन इसी बीच इसी डेंजर जोन में तमाम महिलाएं, बच्चे और वृद्ध जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं। हालांकि इनका भी मानना है कि सरकार इनके बारे में कोई सोच नहीं रही है। बाबूजी आप बताइए, क्या है मांग आपकी, आपने पूरी रात यहाँ पर बिताई, क्या है? हमारी मांग है जो ये होटल हैं इनके साथ तो समझौता हो गया है, वन टाइम सेटलमेंट के लिए हमने सरकार से भी बोला था, जो मंत्री महोदय आते थे उनसे भी जब भी मिल रहे थे कि भाई हमको वन टाइम सेटलमेंट का हमारा वो किया जाए और हर किसी ने जो भी आया ये आश्वासन दिया था कि भाई आपको वन टाइम सेटलमेंट दिया जाएगा। अब धरना का मतलब ये है कि जो ये होटल है इनसे समझौता करके तो सरकार कार्रवाई शुरू कर दी तोड़ने की, पर कोई समाधान नहीं निकला, हमारी मांग पूरी नहीं हुई हम तब तक। हाँ, हम भी यही बोल रहे कि 2 तारीख से मतलब हम घर से बाहर हैं और उस दिन से कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा। कल रात हम मतलब 7, 7:30 बजे से हम यहाँ छत पे थे और किसी ने खाना भी नहीं खाया। अभी सरकार के किसी भी नुमाइंदे से अब इन लोगों की बात नहीं हुई है, होटल स्वामियों से सरकार ने समझौता कर लिया है ऐसा साफ तौर पर इन लोगों का कहना है, लेकिन सरकार इनके बारे में कोई सुध नहीं ले रही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, जोशीमठ। और चलिए और ज्यादा अपडेट देने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए विनोद कुमार इस वक्त ग्राउंड जीरो से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं जोशीमठ पर जो संकट है वो और गहराता जा रहा है, 10 से 15 दिन का समय अगर इन दोनों होटलों को गिराने में लगेगा तो आगे जो कार्रवाई है जोशीमठ पर वो कब शुरू होगी? IOC देखिए, सबसे बड़ी अपडेट जोशीमठ से यही है कि एक तरफ जहां मलारी इन और माउंट व्यू की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, वहीं दो ऐसे और होटल हैं जो आपस में टकराने की तरफ हैं। आपको मैं सबसे पहले ये तस्वीर दिखाता हूं। अभी तमाम ऐसे ये चाहे होटल कमेंट हो या फिर स्नो
ट्रस्ट हो, ये तमाम दोनों होटल आपस में अब मिलते जा रहे हैं। यानी एक संकट जो मलारी इन और माउंट व्यू पर था, लेकिन अब दो होटल बिल्कुल उसी कंडीशन के हैं। और दूसरी तस्वीरें दिखाएंगी ऊपर का, जो आप दोनों होटल का जो सिरा था पहले, इसमें काफ़ी दूरी होती थी, लेकिन जैसे ही दरार जोशीमठ में बढ़ रही है, लगातार जोशीमठ में दरार बढ़ने का सिलसिला जारी है, लेकिन आपस में ये होटल एक सिरे से दूसरे सिरे पर टकराते जा रहे हैं। यानी एक संकट जो मलारी इन और होटल माउंट व्यू पर था, लेकिन अब दोनों होटल भी ये खतरे की जद में हैं। हालांकि एहतियातन बरतते हुए इन तमाम होटल जो ये दोनों होटल हैं वहाँ से सभी लोगों को हटा दिया है, लेकिन अभी बिल्कुल IOC ये कहना जल्दबाजी होगा कि जोशीमठ में हालात सामान्य है। हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। और एक सबसे बड़ी अपडेट मैं ये भी बता दूं आपको कि कल से लेकर अब तक करीब 9 घरों में दरार आई है। यानी 9 घर ऐसे हैं जो जिनमें हाल फिलहाल में दरार आई है, और 2 ये होटल ऐसे हैं जो आपस में मिलते जा रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में इन दोनों होटल पर भी संकट बड़ा मंडरा सकता है। लेकिन एक तरफ जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब ये दोनों होटल भी खतरे की जद में हैं। और आप सीधे तौर पर ये तस्वीरें देख रहे हैं कि एक तरफ ये जो पिलर है इस होटल का, यानी कमेंट होटल है, दूसरी तरफ स्नो क्रेस्ट होटल है, तो बिल्कुल इनके जो पिलर है वो काफ़ी उनमें दरार आ गई है। और आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ये पिलर ध्वस्त होने की कगार पर है, और ऐसे में बिल्कुल जो जोशीमठ में संकट का जो सिलसिला चल रहा है वो बदस्तूर अभी जारी है। और ये भी अपडेट कर दें कि अभी फ़िलहाल 9 घर ऐसे नए हैं जिनमें कल से लेकर आज तक बड़ी दरारें आई हैं, और 2 ऐसे ये होटल हैं जो अलग अलग ये होटल हैं जिनमें बिल्कुल अब संकट बड़ा मंडराता जा रहा है, क्योंकि ऊपर के जो सिरे थे, यानी हम जब तस्वीरें अलग अलग देख रहे थे, क्योंकि मलारी इन और माउंट व्यू की तस्वीरें ऐसी थी कि जब दोनों आपस में वो होटल टकराए थे, लेकिन ये दोनों भी उसी कंडीशंस के होटल हैं, और इस कंडीशन में ये दोनों होटल आपस में मिलते जा रहे हैं। और जो नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट में काफ़ी बड़ी दरारें आई हुई हैं। और हालाँकि गुजरात के जो ये जो होटल के स्वामी हैं वो उनका साफ तौर पर मानना है कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और जो यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं उनकी ही ज़्यादा सरकार सोच रही है। लेकिन साफ तौर पर एहतियातन बरतते हुए इन होटल से सभी लोगों को हटा दिया गया है, क्योंकि ऊपर के जो छज्जा आप लोग देख रहे हैं, हमारे ABP गंगा के दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि पहले उसमें काफी दूरी होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे दीवार 15 से 20 दिन का वक्त अगर इन होटलों को, यानी कि मलारी इन और माउंट व्यू को तोड़ने में लगेगा, ध्वस्त करने में लगेगा, तो इस ओर सरकार कब ध्यान देगी? जैसे कि आप बता रहे हैं कि 9 और घरों में दरार आ रही है, जो बाकी होटल है वो भी कहीं ना कहीं अब इस कगार पर पहुंच गए हैं कि जल्द ही वो टूट सकते हैं, तो इस ओर सरकार आखिरकार कब ध्यान देगी? किस बात का इंतजार अब किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल IOC देखिए, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक तरफ जहां मलारी और माउंट व्यू को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, और उसमें भी जो जानकारी जिला प्रशासन के माध्यम से मिली है कि करीब 15 दिन उन दोनों होटल के ध्वस्तीकरण के काम में लगेंगे, लेकिन दूसरी चुनौती अब जिला प्रशासन और सरकार के सामने ये है कि उसी कंडीशन के 2 होटल भी अब टूटने की कगार पर है। यानी दिन प्रतिदिन दरारें बढ़ती जा रही हैं, और ऐसे में अगर ये दरारें और बढ़ी तो ये दोनों होटल बिल्कुल आपस में मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर वही कंडीशन जैसे मलारी की है, होटल माउंट व्यू की है, सेम यही है। लेकिन अब जिला प्रशासन की चुनौती बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर NDRF है, SDRF है, स्थानीय पुलिस बल है, भारी संख्या में पुलिस बल डिप्ट्यूट किया गया है, लोग भी विरोध कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें अलग अलग ये भी आ रही है कि मुआवजा सही समय से नहीं दिया जा रहा है, लोगों का गुस्सा भी यहाँ पर देखने को अब मिल रहा है। लेकिन अब जो ये दोनों होटल की आपस में मिल रहे हैं, तो एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने और जिला प्रशासन के सामने बनती जा रही है कि आखिरकार करीब 15 दिन का समय तो उस जो मलारी इन और माउंट व्यू होटल है उसको तोड़ने में लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक काम, यानी एक बड़ा चुनौती सरकार के सामने, जिला प्रशासन के सामने ये दोनों होटल भी यहाँ पर हैं, और ये सभी खतरे की जद में है, क्योंकि आसपास के जो जितने भी यहाँ के जो आवासीय घर थे जहाँ पर लोग रह रहे थे, क्योंकि यहाँ से आसपास घरों पर भी रेड क्रॉस निशान लगाया गया है, यानी अनसेफ जोन में उनको रखा गया है, वहाँ से भी उनको हटा दिया गया है। और आप ये तस्वीरें देखें कि ये भी एक आलीशान होटल में है, गुजरात के जिसका होटल है, ये गुजरात के रहने वाले हैं, साफ तौर पर सरकार पर भी उन्होंने
एक सवाल खड़ा किया है कि जो लोकल यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के व्यवसायी होते हैं, सरकार उन्हीं पर ध्यान दे रही है और करोड़ों की लागत से इस होटल को बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन जैसे ही सिलसिला जोशीमठ में दरारों का चला, कहीं ना कहीं अब जरूरत है प्रशासन को कि जल्द इस ओर ध्यान दिया जाए, नहीं तो जो संकट है वो और गहरा सकता है जोशीमठ पर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें तो जोशीमठ में आपदा पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले हैं कि नए शहर बसाने को लेकर तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। जमीन पर निरीक्षण का काम शुरू किया गया है। पीपल कोटी, कोटीबाग समेत अन्य स्थानों पर निरीक्षण किया जा रहा है और फाइनेंस की दिक्कत ना हो इसके लिए सभी व्यवस्थाएं अब शुरू कर दी गई है। तो नए शहर को बसाने की तैयारी शुरू हो गई है, ये कहना है प्रेमचंद अग्रवाल का, और जमीन पर निरीक्षण का काम जो है वो भी शुरू हो गया है। जोशीमठ में आपदा के बाद नए शहर बसाने की तैयारी चल रही है। फौरी तौर पर वहां पर तमाम लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और प्री फैब्रिकेट मकानों में उनको रखा जा रहा है। हमारे साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। सर, बड़ी चुनौती होगी लेकिन नया टेंट सूप बनाना पड़ेगा हमें जोशीमठ को लेकर, तो किस तरह की अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं और कब तक ये तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आज वर्तमान में जोशीमठ के हमारे जो प्रभावित लोग हैं उनको कैसे हम सुरक्षित स्थान पर ले जा सकें, वो प्रक्रिया भी जारी है। जहाँ तक टाउनशिप की बात है तो उसमें कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं, उनको जब तक उनकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्योंकि एक जगह से हटके हम दूसरी जगह का हम पूरा सर्वे कर लें, वहाँ फिर आने वाले समय पे कोई परेशानी उस प्रकार की ना हो, तो ये होने के बाद फिर उस बारे में हम लोग निर्णय लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों में जिस प्रकार से हमारे पूरे देश भर की 8 एजेंसीज काम कर रही हैं और इसी एजेंसीज के बाद सर्वे के बाद उनके सर्वे रिपोर्ट के बाद फिर सरकार निर्णय लेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार वहाँ दौरा होना, समीक्षा करना, चर्चाएं करना, कैबिनेट उसके बाद होना, और कैबिनेट में एकमात्र एजेंडा कि जोशीमठ में हम लोग कितना और अच्छा कर सकें। जिस तरह से जोशीमठ में आपदा आई है उसके बाद जोशीमठ को एक नए टाउनशिप के तौर पर डेवलप करने की बात चल रही है, उसके लिए खाका तैयार कर लिया गया और वित्त विभाग से भी पूरी तरह से हर तरह की जो सहायता है लोगों को दी जा रही है। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो श्रीनगर में भी कई घर ऐसे हैं जिनमें बड़ी बड़ी दरारें आना शुरू हो गया है। लोगों का आरोप है कि रेलवे के लिए बनी सुरंग से ये दरारें आने लगी है। घरों में दरार आने से अब दहशत में लोग नजर आ रहे हैं। तो जोशीमठ के बाद अब श्रीनगर ऐसा शहर है जहां के कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें आने लगी हैं और लोग अब दहशत के साए में जीने को मजबूर है। लोगों का ये आरोप है कि रेलवे के लिए बन रही सुरंग से ये दरारें आने लगी है और अब लोगों में डर है। जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देने की बात लोगों की तरफ से की जा रही है। और लगातार देखिए, जोशीमठ पर एक तरफ जहां संकट बरकरार है तो वहीं अब श्रीनगर के घरों में भी दरारें पड़ने लगी है। आप लोगों ने देख लिया है कि हमारे घर में बिल्कुल इतनी गंदी गंदी दरारें आ चुकी है कि हमको रात को नींद नहीं आती है। और अब तो ये जोशीमठ का हाल दुनिया ने सुन लिया है, दुनिया देख रही है और उसको देख के भी हमें इतना डर लग रहा है कि आने वाला भविष्य हमारा ऐसे ही है। ये जैसे मैंने बताया, जोशीमठ में एक आपदा की स्थिति है, लेकिन जनासू में, श्रीनगर में या अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार की स्थिति है उसका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। पूर्व में भी एक बैठक हुई थी जिसमें जिलाधिकारी को निर्देशित हम लोगों ने किया था, सुझाव दिया था कि वो एक तृतीय पक्ष की एक समिति बनाए जिसमें जो सर्वे जो है निष्पक्ष रूप से करे और जिसमें IIT या CBRI के विशेषज्ञ भी सम्मिलित हों ताकि सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। तो उन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की है, मैं उस विषय में जिलाधिकारी से बात करूँ। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो कांग्रेस की टेक्निकल टीम का सर्वे पूरा हो गया है। कांग्रेस टेक्निकल टीम की रिपोर्ट आज दे सकती है। टेक्निकल रिपोर्ट पर आगे की रणनीति अब बनाई जाएगी। जोशीमठ में इस वक्त कांग्रेस की टेक्निकल टीम मौजूद है। स्थानीय लोगों से फीडबैक कांग्रेस की जो टेक्निकल टीम है वो ले रही है और ये माना जा रहा है कि जो सर्वे है वो पूरा हो गया है, आज रिपोर्ट सौंपी जा सकती है।
देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड महिला आयोग और पुलिस की बैठक, पुलिस लाइन में ये बैठक चल रही है। महिला थाना और हेल्प डेस्क के कामों का फीडबैक लिया जा रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी बैठक में मौजूद है और इसी के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी बैठक में मौजूद है। तो पुलिस लाइन में इस वक्त ये बैठक चल रही है, महिला थाना और हेल्प डेस्क के कामों पर फीडबैक पर चर्चा की जा रही है। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी बैठक में मौजूद है, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी इस बैठक में मौजूद है और क्या काम चल रहे हैं महिलाओं को लेकर, इसे लेकर फीडबैक भी लिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में आयोग ने बैठाई है आंतरिक जांच, पटवारी भर्ती पेपर लीक के बाद आयोग ने जांच बैठाई है। आयोग ने कहा है कि लापरवाही कहां से हुई, पेपर लीक कैसे हुआ, इसकी जांच होगी। जहां जहां से पेपर लीक होने की आशंका है वहां पर सख्ती बरती जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, पटवारी भर्ती पेपर लीक के बाद अब एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है और आयोग ने अब जांच बिठाई है। आयोग ने ये कहा है कि लापरवाही कहां से हुई है, पेपर लीक कैसे हुआ है, इसकी जांच होगी। और जहां जहां से ये आशंका जताई जा रही है कि यहां से पेपर लीक हुआ है वहां पर सख्ती बरती जाएगी, आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में हो सकती है। इधर पिथौरागढ़ पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए एक अनोखा अभियान शुरू किया है। यातायात पुलिस ने नगर के चौराहों पर स्थानीय कलाकारों के माध्यम से यमराज और चित्रगुप्त के किरदार तैयार करके हेलमेट के बिना वाहन चलाने वाले लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो ये देखिए पिथौरागढ़ की तस्वीरें भी आप देखिए, एक अलग अपील लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही है, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, हेलमेट के लिए कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। इसके लिए यमराज और चित्रगुप्त के किरदार में जो लोगों को उतारा गया है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जब भी आप वाहन चलाएं तब हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। साइबर अपराधी किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनकी मेहनत से कमाई हुई पैसे को कैसे लूट रहे हैं, तो उससे जितना आप जागरूक करोगे उतना ही लोगों को उससे बचने में सहायता मिलेगी और उनकी हेल्प होगी। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत को बड़ी सौगात दी है। सीएम धामी ने 100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही उत्तरायणी कौतिक मेले का शुभारंभ भी किया, जनकपुर रोडवेज वर्कशॉप का निरीक्षण भी किया और उसके विकास योजना के प्लान के बारे में जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ली है। माघ मेला माघी की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। भगवान सूर्यदेव के उत्तरायण में आने पर हमारे उत्तराखंड का ये लोक पर्व उत्तरायणी आज पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेकों स्थानों पर मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से यह सूर्यदेव को प्रणाम करने का, सूर्यदेव के मकर राशि में आने का और अच्छे दिनों की शुरुआत है और मैं सूर्य भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सूर्य भगवान हम सब पर अपनी कृपा करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।